तो हाय नमस्कार सत श्री अकाल फ्रेंड्स। तो देख लीजिए अभी आज हम पावर पॉइंट सीखने वाले हैं फ्रेंड्स। तो अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलेगा और बेल आइकन को भी दबाना बिल्कुल भी मत भूलेगा एंड लाइक एंड शेयर करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो फ्रेंड्स वीडियो बहुत अच्छा है, अच्छा समझ जाओगे, पूरा देखना, एक भी स्टेप स्किप मत करना। और तो वीडियो को ज्यादा देर नहीं करते, तो चलिए फ्रेंड्स ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स कैसे हो। तो चलिए आज हम देखेंगे कि पावर पॉइंट कैसे करते हैं, उसकी बेसिक जान लेंगे और पार्ट टू में उसके आगे का मैं बता देता हूँ आपको हमारे ऐसे पार्ट पावर पॉइंट के, क्योंकि एक बार में ही सब बनाएंगे तो वीडियो बहुत लंबा खींच जाएगा, इसलिए मैं आपको पार्ट में बताता हूँ। तो फ्रेंड्स चलिए पावर पॉइंट में स्टार्ट करता हूँ। यहाँ पर मैं सर्च कर देता हूँ POW, देख लीजिए माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट आ गया है, सर्च कीजिए आप वहां पर तो आ जाएगा। यहाँ पर अभी ये देख लीजिए कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखाई देगा आपको, पावर पॉइंट खुलेगा तब आपको ये देख लीजिए, आपको कुछ भी प्रोजेक्ट बनाना है उसका यहाँ पर टाइटल डाल देना है। तो मैं अभी क्या डाल देता हूँ, मेरे चैनल का नाम डाल देता हूँ मैं अभी पर AJINKYA, देख लीजिए फ्रेंड्स अजिंक्य NEW न्यू WRLD अजिंक्य न्यू वर्ल्ड, मैंने मेरे चैनल का नाम डाल दिया है, सब टाइटल डाल देता हूँ। देख लीजिए फ्रेंड्स न्यू वीडियोस VIDEOS, देख लीजिए फ्रेंड्स यहाँ पर मैंने सब टाइटल भी डाल दिया है। और बाद में हमको क्या करना है, यहाँ पर स्लाइड, यहाँ पर मतलब हमको अगर नया पेज चाहिए तो क्या करना है, यहाँ पर होम में जाना है, यहाँ पर होम इंसर्ट डिजाइन एनिमेशन ऐसे बहुत सारे आइकन दिखेंगे, यहाँ पर होम में जाना है। होम में जाने के बाद यहाँ पर न्यू स्लाइड ऐसा कुछ दिखेगा, यहाँ पर ऊपर भी एक होता है और नीचे भी एक होता है, नीचे वाले में जाना है। हमको किस तरह का पेज चाहिए, तो अभी मैं ब्लैंक ले लेता हूँ फ्रेंड, सिंपल सा ब्लैंक पेज ले लेता हूँ। यहाँ पर बहुत सारे पेज होते हैं, अभी मेरे को यहाँ इसके ऊपर कलर देना है। तो सिंपल सा क्या करेंगे, इंसर्ट में जाएंगे, इंसर्ट, देख लीजिए फ्रेंड्स मैं सिंपल सा एकदम बेसिक बता रहा हूँ आपको, क्योंकि आपकी कोई भी परेशानी ना आए। यहाँ पर शेप्स में जाएंगे और सिंपल सा यहाँ पर जो रेक्टेंगल है, यहाँ पर कुछ भी, ये भी चुन सकते हैं, ये भी चुन सकते हैं, रेक्टेंगल चुनना है सिर्फ आपको, ध्यान में रखना है। और यहाँ पर इस जो ब्लैंक पेज था उसके ऊपर वो रेक्टेंगल बनाना है ऐसा, देख लीजिए मैं पूरा ब्लैंक पेपर के ऊपर ये बना दिया हूँ। और ये जब मैं ऐसा ये इसके ऊपर रेक्टेंगल डाल दूंगा और इसके ऊपर क्लिक करूंगा तो यहाँ पर फॉर्मेट ये आइकन दिख जाएगा। इस फॉर्मेट आइकन में जाइएगा और फॉर्मेट आइकन में जाने के बाद ये ऊपर कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखाई देगा, और तब उसमें जाने के बाद ये शेप फिल नाम का कुछ दिखेगा आपको। इसमें जाने के बाद ये कुछ भी आप यहाँ पर कलर दे सकते हैं फ्रेंड्स, देख लीजिए कौन सा भी आपका जो मन चाहे वो कलर दे सकते हैं। और यहाँ पर टेक्सचर होता है, इस टेक्सचर में क्या भी कौन सा भी टेक्सचर इस पर लगा सकते हैं, उस पर डबल क्लिक करना है सिर्फ तो वो टेक्सचर लग जाएगा फ्रेंड्स। और आपको अगर मिक्स कलर वाला कुछ अलग हटके चाहिए होगा तो मोर, यहाँ पर ये ग्रेडियंट में जाने के बाद यहाँ पर नीचे जाना है और मोर ग्रेडियंट में जाना है, और इसमें जाने के बाद ये देख लीजिए अच्छे से ध्यान में रखिएगा फ्रेंड्स, पॉज करके एक एक स्टेप अच्छे से ध्यान में रखिएगा। और ग्रेडियंट फिल में जाना है, आने के बाद यहाँ पर प्रीसेट कलर्स में जाना है और यहाँ पर जो आपका मन चाहे, देख लीजिए फ्रेंड्स कितने अच्छे अच्छे कलर है यहाँ पर, मैं अभी ये इसमें से चुन लेता हूँ और उसको तिरछा आड़ा कैसे चाहे वैसे वैसा हम कर सकते हैं, मैं अभी तिरछा कर लेता हूँ फ्रेंड्स। तो कुछ भी नहीं, सिंपल सा ये हो चुका है, ओके वगैरह कुछ भी नहीं, ऐसा कर लेना है और ये कट कर देना है। अभी हमको इतना किया है उसको सेव करना है, सिंपल सा कंट्रोल यस दबाइए वो उसकी शॉर्टकट की है, नहीं तो यहाँ पर इसमें भी जा सकते हैं, ये सेव है, और सिंपल सा नहीं तो यहाँ पर सेव एज में जाइएगा। सेव एज में जाने के बाद ये कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा, यहाँ पर कुछ भी फाइल हम नाम क्या देंगे, अभी चैनल का नाम दे देता हूँ यहाँ पर AJINKYA अजिंक्य
NEW NEWORLD, मैं भी मेरे चैनल का नाम यहाँ पर डाल दिया हूँ, तो मैं उसको सेव कर दूंगा। देख लीजिए फ्रेंड्स, हमने जो है अभी ये टाइटल, सब टाइटल और ये पेज को कलर दिया, ये अभी सेव हो चुका है। अभी इस पर मैं मेरा नाम, अभी आपको क्या करना है, इस पेज पर अपना नाम डाल देना है। जब आपको नाम डाल देना हो तब वर्ड आर्ट नाम का यहाँ पर कुछ आइकन होता है, देख लीजिए। इंसर्ट में जाना है सिंपल सा, आप कंफ्यूज मत हुई फ्रेंड्स, देख लीजिए मैं एक एक स्टेप आपको अच्छे से बता रहा हूँ, आप कंफ्यूज बिल्कुल भी मत हो गए। देख लीजिए इंसर्ट में जाने के बाद यहाँ पर वर्ड आर्ट पर क्लिक करिए, आपको इसमें का कैसा वर्ड आर्ट चाहिए देख लीजिए, अच्छे अच्छे है बहुत बहुत। मैं अभी इसमें का देख लीजिए, ये कौन सा मेरे को अच्छा लग रहा है, मैं अभी इसको ये चुन लेता हूँ, ये मेरे को अच्छा लग रहा है, तो मैं इसको अभी मेरा इसको अभी जो ये आया था ना उसको मैंने बैक स्पेस दबाकर कट कर दिया है। और फिर मैं मुझे इधर क्या भी डालना है ये मैं डाल दे सकता हूँ। अभी मैं यहाँ पर ए जे आई एन ए वाई ए एन ई डब्ल्यू न्यू डब्ल्यू ओ आर एल डी डाल चुका हूँ, तो ये आ चुका है। फिर इसको सेव मारने के लिए कंट्रोल एस दबाइए, नहीं तो सिंपल सा यहाँ पर जाकर क्लिक दबाइए तो ये सेव हो जाएगा फ्रेंड्स। तो देख लीजिए फ्रेंड्स मैंने कितना आपको अच्छी तरह से समझाया है, आशा करता हूँ कि समझ चुके होंगे अच्छी तरह से। तो इसको अभी मैं मिडल में डाल देता हूँ, तो अभी इसको मैं पिछले वाली जो उसके बैकग्राउंड की जो ये मैंने कलर वाली पेज की थी इसको अभी मैं इफेक्ट देना चाहता हूँ फ्रेंड्स, इसको नहीं नाम को इफेक्ट देता हूँ मैं, क्योंकि वो हट जाएगा और पीछे का बैकग्राउंड व्हाइट दिखने लगेगा तो अच्छा नहीं दिखेगा। तो मैं इस नाम को क्या शेप इफेक्ट देना चाहता हूँ, इस नाम पर क्लिक करेगा सिंपल सा तो कुछ इस ऐसा हो जाएगा और शेप इफेक्ट यहाँ पर फॉर्मेट में ही होगा। और शेप इफेक्ट में जाने के बाद देखो कितने अच्छे अच्छे इफेक्ट है यहाँ पर, देखो इसका कौन सा भी इसमें का बढ़िया आपको जो लग रहा है वो इफेक्ट दे सकते है, इसको कुछ भी दे सकते है, बढ़िया है, बहुत बढ़िया है, एक नंबर बढ़िया है। तो मैं अभी यहाँ पर मुझे ये अच्छा लग रहा है, मैं भी ये इफेक्ट देना चाहता हूँ। तो देख लीजिए फ्रेंड्स ये ऐसा कुछ हो जाएगा और ये बहुत बढ़िया दिखने लगेगा फ्रेंड्स, आपको इससे बेहतर कहीं नहीं मिलेगा। प्रेजेंटेशन भी कर सकते हैं, मैं सब बताऊंगा आपको, आप डरिएगा मत, कुछ भी नहीं, बहुत आसान है, बहुत अच्छा आपको मैं समझाने वाला हूँ। अभी तो शुरुआत हो गई है फ्रेंड्स, अभी पिक्चर बाकी है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर न्यू स्लाइड में जाने के बाद न्यू स्लाइड में जाइए, अभी और एक बार मैं ब्लैंक ही लेना चाहता हूँ फ्रेंड्स, तो यहाँ पर मैं ब्लैंक ले गया और उसमें क्या करता हूँ अभी पहले जैसा पेज बना देता हूँ। तो पहले अभी ध्यान करिए, पहले हमने पेज उसके कलर करने के लिए क्या किया था, तो सिंपल सा इंसर्ट में जाने के बाद शेप्स में जाइए, रेक्टेंगल को चुनिए, तो अभी देख लीजिए उसके ऊपर रेक्टेंगल डाल देना है तो दिख रहा होगा आपको अच्छे से, मैं रेक्टेंगल इस पर डाल दिया हूँ। फॉर्मेट, फिर फॉर्मेट में, अभी फॉर्मेट में जाने के बाद फॉर्मेट पर क्लिक करिएगा नहीं तो ये नहीं आएगा। फॉर्मेट पर क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा और मैं अभी टेक्सचर डाल देता हूँ उसके ऊपर, मुझे ये टेक्सचर बढ़िया लग रहा है, ये टेक्सचर डाल दिया हूँ मैं। तो अभी क्या, मैं ये मेरा जो नाम है वही ऊपर फ्रेंड्स देख लीजिए, अभी मैं ब्लैंक ये टेक्सचर ले चुका हूँ, मुझे ये पसंद आया है, तो इसके ऊपर भी मैं क्या कर देता हूँ नाम डाल देता हूँ, एक वर्ड आर्ट, वर्ड आर्ट में से एक चुनता हूँ। अच्छा नहीं, ये इस पर डार्क नहीं दिखने दिख रहा है, तो इसको अभी देख लीजिए ये आया है, अभी ये आपको पसंद नहीं आया है तो इसको डिलीट कैसे करेगा, तो इस पर सिंपल सा ऐसा इसका जो कोना होता है या इसका मिडल कहाँ पर भी क्लिक करिएगा और उसको डिलीट, आपका जो बटन होता है आपके कीबोर्ड पर उस पर क्लिक कीजिएगा, सिंपल सा ये डिलीट हो जाएगा। तो ये डिलीट करने के बाद फिर से चुनिएगा जो आपको पसंद आया हो वर्ड आर्ट, इससे बढ़िया आपको फ्रेंड्स को CMACAT का कहाँ पर भी नहीं मिलेगा। मैं अभी क्लिक कर चुका हूँ और इस पर एक नाम डाल देता हूँ, फ्रेंड्स देख लीजिए अभी क्या हो गया है, मैंने मेरे पीसी का बैटरी लो हो चुका है तो मैं अभी चार्जिंग को इसको लगा देता हूँ फ्रेंड्स। तो कुछ नहीं, सिंपल सा ही नाम मैंने जो डाला था वो उस पर आ चुका है फ्रेंड्स।
तो उस काम को अभी हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, एनिमेशन देंगे। एनिमेशन तो आपको बहुत सा कौन कौन करते होंगे और आपको ये क्या यार कैसे कर रहे हैं, बहुत सा कंफ्यूज होते होंगे। तो एनिमेशन तो फ्रेंड्स इतना बढ़िया है ना, आपको मजा आ जाएगा फ्रेंड्स ये सीख के, बहुत मजा आ जाएगा आपको। देख लीजिए सिंपल सा क्या है, पीछे हमको बैकग्राउंड को अभी एनिमेशन देंगे, तो सिंपल सा इस बैकग्राउंड पर क्लिक करिएगा और यहाँ पर एनिमेशन में जाइएगा, और एनिमेशन में जाने के बाद इसमें से कौन सा भी है फ्रेंड्स, बहुत बढ़िया बढ़िया है। देखो ये ऊपर से नीचे आ रहा है, बाजू से बाजू में, और ये बढ़िया है, बढ़िया बढ़िया। और चाहे चाहे तो इस एक गौर से देखिए, यहाँ पर नीचे एक आइकन है, देखो ये कितने ओपन हो गए यार, क्या इतने से बढ़िया, कहाँ पर भी नहीं मिलेंगे फ्रेंड्स। तो ये मैं कर देता हूँ, ये मुझे बढ़िया लग रहा है तो मैंने इसको क्लिक कर दिया है। अभी देख लीजिए फ्रेंड्स, और इसको हम कैसे देखेंगे, तो अभी सबको मैं एनिमेशन डाल देता हूँ। इस पर क्लिक करना है, जिसको एनिमेशन देना है उसको क्लिक करना है, और एनिमेशन में जाना है और कस्टम एनिमेशन में जाना है। और यहाँ पर जाने के बाद एड इफेक्ट में जाने के बाद ये पहला वाला जो ऑप्शन है उसमें जाना है। उस पर जाने के बाद ये बाजू की लाइन आ जाएगी, उसमें जाने के बाद मूवर इफेक्ट में जाना है, और यहाँ पर ये आ जाएगा। ये देख लीजिए बहुत अच्छे अच्छे है यहाँ पर, ये ऐसा है, ये ऐसा है। तो मैं अभी ये वाला चुन लेता हूँ, मुझे ये बड़ा अच्छा लग रहा है, स्विश वाला ये मुझे पसंद है। मैं स्विश वाले पे डबल क्लिक कर देता हूँ, डबल क्लिक फ्रेंड्स, और ये डबल क्लिक करने के बाद उसको ये एनिमेशन आ जाएगा फ्रेंड्स। तो कुछ भी नहीं, सिंपल सा ओके कर देना है, ये तो आ जाएगा। उसको स्पीड भी करने आता है एनिमेशन को, वेरी स्लो, देख लीजिए अभी ये स्लो हो जाएगा, प्ले कर दूंगा, अभी बहुत स्लो हो जाएगा फ्रेंड्स। अभी देखो बहुत स्लो हो रहा है, देख लीजिए ये आ गया बहुत स्लो, ये आ गया, देखो जे भी आ गया। अभी वेरी फास्ट कर देंगे, वेरी फास्ट करने के बाद देखो फास्ट आ जाएगा, फास्ट देखो कितना फास्ट आ रहा है फ्रेंड्स, फास्ट आ रहा है, बहुत फास्ट आ रहा है फ्रेंड्स। तो अभी क्या करते हैं कि इसको तो एनिमेशन दे दिया है, और यहाँ पर ऑन क्लिक होता है फ्रेंड्स। तो ये अभी अभी क्या है, ये स्लाइड शो आपको दिखाना है, तो ये पूरी स्क्रीन में दिख जाएगा फ्रेंड्स। तो कैसे जाना है देख लीजिए, गौर से देखिए, यहाँ पर एक आइकन है, यहाँ पर ये स्लाइड शो का आइकन है फ्रेंड्स, इस पर क्लिक करिएगा और ये आ जाएगा। और स्पेस बार दबाना है हमको, स्पेस बार दबाने के बाद ये एनिमेशन स्टार्ट हो जाएगा। फिर से नेक्स्ट एनिमेशन दिखाने के लिए फिर से स्पेस बार दबाना पड़ेगा, और फिर से ये करना पड़ेगा, और ऐसे स्पेस बार दबाते ही रहना पड़ेगा। तो हमको स्पेस बार दबाना बचाने के लिए यहाँ पर एनिमेशन के ऊपर ऑन क्लिक का जो ऑप्शन है उसको आफ्टर प्रीवियस कर देना है, मतलब वो अपने आप हो जाएगा। देखिए मैं इसको आफ्टर प्रीवियस कर देता हूँ, और इसको भी, ये इसका एनिमेशन हमने बैकग्राउंड के लिए एनिमेशन करा था उसको भी आफ्टर प्रीवियस कर देते हैं। अभी देख लीजिए फ्रेंड्स, ये अभी मैं अभी इसका स्लाइड शो कर देता हूँ, देख लीजिए ऑटोमेटिक हो जा रहा है, मैं उसको कुछ भी नहीं कर रहा हूँ फ्रेंड्स, तो सब ऑटोमेटिक हो जा रहा है। और ये देख लीजिए फ्रेंड्स, तो इसका सब आसान है फ्रेंड्स, कंफ्यूज मत होना, सिर्फ कंफ्यूज नहीं होंगे तो आपको कुछ भी नहीं फ्रेंड्स, बहुत सब कुछ आसान है। ऐसे ही आपके मन पसंद कौन सा भी आप एनिमेशन दे सकते हैं, यहाँ पर इंसर्ट में जाके। अभी आगे का जो कुछ है वो अच्छा अच्छा मैं आपको, नेक्स्ट टेबल बनाना हो, स्मार्ट आर्ट चार्ट हो, बाकी का फोटो लेना वगैरह, मैं सब नेक्स्ट पार्ट में डाल दूंगा फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट पार्ट को देखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना तो भूल ही नहीं सकते आप, लाइक एंड शेयर करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा फ्रेंड्स। तो चलिए नेक्स्ट पार्ट के लिए तैयार रहते हैं, तो बाय।